हवन पूजन और भव्य उद्घाटन के साथ हुई पर्यटन सत्र की शुरुआत। पहले दिन कम रही पर्यटकों की संख्या। बहराइच जिले के कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बुधवार 15 नवंबर को हवन पूजन व भव्य उद्घाटन के साथ पर्यटन सत्र की शुरुआत हुई। एडीओ रमेश चौहान व रेंजर कतनिया घाट अनूप कुमार के नेतृत्व में यमुनाधर चौहान, जीएम चीनी मिल नानपारा व आरएन सिंह, डीएलएम वन निगम के हाथों फीता काटकर पर्यटन सत्र का उद्घाटन किया गया। पहले दिन पर्यटकों की संख्या हालांकि कम रही। पर्यटन के पहले दिन वन विभाग द्वारा संचालित मोगली विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क जंगल सफारी कराई गई। पर्यटन सत्र के पहले पर्यटक OMEX के आशुतोष सिंह और स्थानीय पर्यटक के रूप में समाजसेवी जंग हिंदुस्तानी रहे। आशुतोष ने अपनी पत्नी शुभांगी व बच्ची नीरज के साथ जंगल सफारी कर कतनिया घाट वन्यजीव का आनंद लिया। उद्घाटन कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों समेत थानाध्यक्ष सुजौली सौरभ सिंह, SSB 70 बटालियन कतनिया घाट के इंस्पेक्टर अब्दुल्ला खान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आउटरीच प्रोग्राम इंचार्ज शाश्वत राज, WWF परियोजना अधिकारी दबीर हसन, प्रधान प्रतिनिधि कठौतिया विवेकानंद चौहान, प्रधान बड़खड़िया जयप्रकाश, डेविड सिंह, ताराशंकर यादव, मैंग पांडे, रत्नेश यादव, राधेश्याम, अजय सिंह, योगेश सिंह, हीरालाल यादव, अनु शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लखनऊ से आया हूँ, आशुतोष सिंह नाम है मेरा और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ लखनऊ से। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबको आना चाहिए क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर की ड्राइव नहीं है और यहाँ पे जब आएंगे तो आपको देखने को घड़ियाल मिलेंगे, कछुए हैं, इवन जो गंगा की डॉल्फिन है वो आपको मिलेंगी देखने को। तो ये मस्ट वॉच है ताकि जो हमारा कॉन्क्रीट का जंगल है उससे हम बाहर निकलें और हम अपना जो शहर है उससे बाहर निकल के अपना इन्वायरमेंट जिस चीज़ के हम लोग बने हुए हैं वो हम देखें एग्जैक्टली जो चीज़ है। यहाँ के स्टाफ जो है उसका व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत ही अच्छा है और वेरी फ्रेंडली है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ठीक सर, आज 15 नवंबर 2023 को पर्यटन सत्र की शुरुआत हुई है और इसके साथ ही आम जनता को, लोगों को जो भी टूरिज्म है और विशेष तौर पर इको टूरिज्म करना चाहते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क इत्यादि को घूमना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मच अवेटेड दिन है ये। और पूरे बरसात में इवन मैं, हम तुम्हारे तमाम जानने वाले से लेकर प्रत्येक जो भी व्यक्ति घूमने का और नेचर के बीच में जाने का शौकीन होता है उसको इन दिनों का विशेष तौर पर इंतज़ार होता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के भी सूचनाएँ प्राप्त होती रहती, करते रहते हैं लोग कि ये कब से खुलेगा। तो ये अवसर हमें नेचर के सानिध्य में जाने और उसको आनंदित होने का है। इसके साथ ही हमारे बीच में रमेश चौहान जी हैं और हमारे साथ अन्य रेंजर हैं और पर्यटन विभाग के भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस शुभ बेला पर, शुभ अवसर पर उन्होंने आमंत्रित कर एक अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। और साथ ही साथ मेरा भी भ्रमण करने का, पर्यटन करने का शौक रहा है तो इसकी भी इच्छा पूर्ति हुई है मेरी। आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे अपील रहेगी, अपेक्षा है कि पर्यटन को, जो इको टूरिज्म है और हमारा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि अन्य हमारे जो लोग हैं आकर्षित हों। अन्य राज्यों में भी जो आपने देखा होगा, जितने भी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वहाँ पे बहुत, मतलब उसका जनमानस तक व्यापक प्रचार प्रसार होता है और इतना बहुत खूबसूरत होने के कारण, खूबसूरत होने के बावजूद भी अभी भी जैसे लखीमपुर का दुधवा तो काफ़ी फेमस हो चुका है लेकिन कतरनिया घाट को और भी गुंजाइश है। वैसे बहुत से लोग जानते हैं, जितने भी नेचर लवर होते हैं इन स्थलों से परिचित होते हैं और सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इसको और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए क्योंकि यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पर्याप्त संख्या में हमारे टाइगर भी उपलब्ध हैं और यहाँ पे एलिफेंट से लगाए क्रोकोडाइल्स भी हैं, प्रजनन केंद्र वगैरह भी है, तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह है। तो इस अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ और आप सभी लोगों को इसकी शुभकामना देता हूँ, आप सारे लोग एंजॉय करें। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।